देश में अक्सर सांप्रदायिक तनाव की बात सामने आती रहती है, लेकिन इससे हटकर देश में दो मजहबों के बीच की मोहब्बत भी सामने देखने को मिली है। ताजा मामला बिहार के बेतिया का है, जहां सामूहिक विवाह के मंच पर सांप्रदायिक एकता की मिसाल देखने को मिली। पेश है एक रिपोर्ट। दाम्पत्य जीवन में पहला कदम रखते ये जोड़े न सिर्फ नए परिवार की नींव रख रहे हैं, बल्कि एक नए समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। दरअसल बेतिया के नौतन में आरोही जन कल्याण संस्था के बैनर तले गरीब असहाय कन्याओं की सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। दोनों ही धर्मों के विवाह और निकाह की रस्में एक ही पंडाल के नीचे संपन्न हुई। एक ओर विवाह की रस्म वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरी हुई, तो दूसरी ओर मौलवी ने निकाह की रस्म अदायगी करवाई, और देखते ही देखते 14 जोड़े अनोखी शादी के मिसाल बन गए। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग, जिन्होंने अंत में वर वधू को आशीर्वाद देकर इनके सुखद भविष्य की कामना की। राम जानकी मंदिर के प्रांगण में आयोजित सामूहिक विवाह में सभी नव दंपतियों को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए उपयोगी सामान भी भेंट स्वरूप दिए गए। इस अनोखी शादी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। एक तरफ जहां समाज में लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन रहे हैं। बेतिया से मुकेश की रिपोर्ट।